हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी किचन में। और आज जो मैं एक रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है पनीर, शाही पनीर। गाइस, शाही पनीर को लोग काजू के साथ बनाते हैं और भी काफी तरीके से बनाते हैं। मैं बिना काजू के बनाऊंगी, जो इतनी गाढ़ी होगी और इतनी यम्मी होगी कि आप खाओगे तो आपको मजा आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको जो जो सामग्री चाहिए वो है प्याज। तो मैं तीन लोगों के हिसाब से बना रही हूँ, तो मैंने चार प्याज लिए हैं क्योंकि मुझे इसको थोड़ी ग्रेवी को गाढ़ी और थिक रखनी है। और एक पनीर लिया है, तो ये चार लोगों के हिसाब से मैंने पनीर खरीदा, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसमें दो टमाटर, क्योंकि मैं क्रीम भी डालूंगी तो दो टमाटर इनफ है। और गार्निश करने के लिए हम लोग हरा धनिया यूज करेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, तो पहले हम इसको काट लेते हैं। काटने के लिए हम इसके छिलके निकाल लेंगे। ये छिल चुके हैं प्याज चारों मेरे। तो आप इसको चाहे तो आप इसको हाथ से काट सकते हैं, चाहे तो आप चाहे इसको ऐसे पतला पतला करके हाथ से काट सकते हैं जैसे हम लोग काटते हैं यूज में, या आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं, या आपके पास चॉपर हो तो आप चॉपर का यूज कर सकते हैं। मैं थोड़ा ऐसे आपको दिखा रही हूँ, आप इतना बारीक बारीक हाथ से काट सकते हैं, नहीं तो आप चॉपर का यूज करके चॉप कर लिया। अब गाइस, हम टमाटर को भी अभी चॉप कर सकते हैं, लेकिन जितनी देर तक मेरा प्याज ब्राउन होगा, मैं ऑयल डाल के इसे ब्राउन करूंगी, उतनी देर तक मैं टमाटर को चॉप कर लूंगी। तो हम एक फ्राई पैन लेंगे और तो अब मैं इसमें रिफाइंड डालूंगी, तीन चम्मच, एक दो तीन। हम इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे, जब तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो आप हींग यूज कर सकते हो, हींग पेट के लिए काफी अच्छी होती है। गाइस, मैं हमेशा आपको ऐसी ऐसी चीजें डालने के लिए बताती हूँ जिससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो मैंने एक चुटकी हींग लिया, आप भी एक चुटकी हींग डालना। खाना बनाते समय गाइस हमेशा हंसते रहना है, क्योंकि स्माइल, जितना आपके अंदर का स्माइल होगा ना उतना मीठा आपका खाना बनेगा। तो हमेशा हंसते रहना, क्योंकि अपनों के लिए खाना बना रहे तो ऑब्वियसली बहुत खुशी। नमक हम लेंगे एक चम्मच, ये मैंने एक चम्मच नमक लिया गाइस। अब हम लोग इसको मिला लेंगे और थोड़ी देर तक इसको कुक होने देंगे। इतने में हम क्या करेंगे, अपना टमाटर मस्त चॉप कर लेंगे। बहुत इजी है गाइस, जरूर ट्राई करना, आपको बहुत मजा आने वाला है इसको खाके। एंड मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि ये डिश आपको कैसी लगी, और अगर आपकी कोई और डिश की फरमाइश हो तो मुझे जरूर बताना, तो मैं वो भी बनाऊंगी। मेरे पास हरा धनिया, इसको हम काट लेते हैं बारीक बारीक, क्योंकि खाली टाइम में क्या करें, तब तक मसाले पकते रहेंगे, तब तक प्याज पकता रहेगा, हम लोग ये काट लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं। तो मैंने डेढ़ चम्मच लाल मिर्च डाली है, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। मैंने एक चम्मच हल्दी, धनिया पाउडर, जाइए आधे चम्मच से भी कम, 25% आपको गरम मसाला भी डालना है। अब गाइस, हम इसमें ना एकदम मस्त चिकन मसाला डालेंगे, जिससे इसकी स्मेल इतनी अच्छी आएगी कि दूर से भी आदमी खींचा खींचा चलाएगा। आधा चम्मच आपने डालना है सांभर मसाला, उसके बाद हमने ये मसाले को मिक्सअप कर देना। इसके बाद हम डालेंगे टमाटर, तो टमाटर डालेंगे हम, तो मैंने इसमें आधा कटोरी क्रीम का यूज किया है। इसमें क्रीम अभी बची हुई है, तो क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे कि हम इसको मिलाकर इसमें डाल सकें, और वो हम इसमें डाल देंगे। हम कम आंच में इसको 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के पकने देंगे। गाइस, पनीर आप अपने हिसाब से काटिएगा, जैसा आपको पसंद है खाने में। इसके लिए कोई ये नहीं है कि लंबा काटे चौड़ा काटे, आपको जैसा पसंद हो आप वैसे पनीर कर सकते हैं। तो मैंने पनीर काट लिया। गाइस, 5 मिनट हो चुके हैं मेरे, तो अब मैं चेक कर लेती हूँ कि कैसा कलर आया है और क्या हुआ है ग्रेवी का। वाओ, कलर भी बहुत अच्छा है और मेरी ग्रेवी तैयार है, ये देख सकते हैं आप, ग्रेवी तैयार है। अब मैं इसमें डालूंगी पनीर के पीसेस,
गाइज इसमें आप पानी भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार, बट लेकिन पानी इतना नहीं डालना है कि एकदम मतलब आप पानी पानी जैसा कर दो, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको ऐसे खाना है तो आप ऐसे भी खा सकते हो, आप आधा गिलास पानी डाल भी कर भी पका सकते हैं, 5 मिनट और आपको उसके लिए पकाना पड़ेगा। लेकिन मैं इसमें पानी नहीं डाल रही क्योंकि हम लोग ऐसे ही खाते हैं, तो मैं आपको यही स्टाइल बता रही हूँ। तो अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए और चलने दूंगी। कुछ लोग जब पक जाते हैं उसके बाद गार्निश करते हैं, लेकिन मैं पहले गार्निश करती हूँ क्योंकि कहते हैं कि अगर कुक किया उसके बाद आप गार्निश करके थोड़ी देर वो करते हो तो इसकी जो हरा धनिया का जो स्मेल और जो टेस्ट है वो उसमें आ जाता है। तो मैं इसको डाल देती हूँ, गार्निश कर देती हूँ। इसको घुमा लेंगे। अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। और ये देखो पनीर तैयार हो गया। कितना इजी है ना, बहुत इजी है ना, आप बना सकते हैं बहुत इजीली। बल्कि मैं तो कहती हूँ ये लड़के भी देखेंगे तो लड़के भी बहुत इजीली बना सकते हैं और हस्बैंड भी अच्छे से बना सकते हैं, और वाइफ को खिलाएंगे तो वाइफ कहेगी वाओ। गाइस अब इसको मैं टेस्ट करके देख लेती हूँ। जब तक मैं टेस्ट नहीं करती ना तब तक मैं जब तक वाओ नहीं बोलती खुद से तो मैं सर्व नहीं करती। तो चलो टेस्ट करते हैं। सो मच यार गाइज, जरूर बनाइएगा, मेरी वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट डिश कौन सी फरमाइश है, मैं जरूर बनाऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।